मटका पनीर। बिलासपुर नाम के गांव में सुजित अजित नाम के दो दोस्त एक ढाबा चलाया करते थे। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों स्वादिष्ट होना उस ढाबा की स्पेशलिटी थी। हमेशा वो ढाबा लोगों से भरा हुआ रहता था। सुजित वेज स्पेशलिस्ट था और अजित नॉन वेज स्पेशलिस्ट। नॉन वेज फूड से ज्यादा वेज फूड का डिमांड ज्यादा होता था। एक कस्टमर अजित से, आपके ढाबा में सब खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, वेज नॉन वेज सब बहुत बढ़िया मिलता है। कि तभी दूसरा कस्टमर, नॉन वेज से वेज तो और भी सुपर है, सिर्फ वेजिटेरियन ढाबा चलाते तो और अच्छा होता था। तब अजित को बुरा लगा। सुजित अपनी पत्नी मायावती और अपने पोते राकेश के साथ एक मामूली छोटे से घर में जीता था। अजित लेकिन बहुत घमंडी था, अच्छी कार, महंगा फोन, आलीशान जिंदगी जीता था। सुजित अपना लाभ बिना लिए अपनी कमाई अपने पोते की MBBS पढ़ाई के लिए अजित के पास ही जमा करता था। तब उसकी पत्नी सुजित से, अब सारे लाभ, बचे हुए पैसे सब वही छोड़ दोगे तो कैसा चलेगा? वो हम भी तो बचा सकते हैं ना? नहीं नहीं, पहले ही मेरा कमजोर मन है, कोई पूछ लिया तो यूं ही दे दूंगा। मेरे पास पैसे टिकते नहीं है, इसलिए उसके पास जमा कर रहा हूँ। राकेश के माता पिता बचपन में ही गुजर गए, इसीलिए वो अपने नाना और नानी के पास रहता था। एक दिन सुजित ढाबा के जरूरी सामान को शहर से लेकर आते हुए एक्सीडेंट में गुजर गया। तब से मायावती राकेश को पैसों की तकलीफ होने लगी, तो वे एक दिन अजित के पास आकर पूछे, वो पूरा पैसे जुए में और रेस में बर्बाद कर दिया, उल्टा मेरे पास से ही लेता था, वो कोई साधु संत नहीं है, मेरे पास उसके पैसे नहीं थे। वो सुनकर राकेश मायावती को धक्का लगा। आप फिकर मत कीजिए, सब ठीक होगा, आपका नाम पन्नी रानी है, यूँ मेरी माँ कहती थी, सुना है आप पनीर बहुत अच्छा बनाती हो, नाना को भी खाना बनाना आप ही सिखाए थे ना, इसलिए आप पनीर बनाओ, हम एक पनीर ढाबा शुरू करेंगे। आजकल आपके जितना अनुभव रखने वाले लोग जब शुरू करते हैं तो वो सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है ना? अजित के ढाबे के आगे ही राकेश मायावती मिलकर पनीर ढाबा शुरू किए। मायावती मीडियम साइज का नया मटका लेकर जरूरी सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़े करके जो मसाले चाहिए वो डालकर कढ़ाई में उसे अच्छे से मिलाकर फिर उसे मिक्सर में पीसकर उसे चूल्हे पर अच्छे से पकाई, उसमें पनीर के टुकड़े डालकर मिलाई, मटका पनीर तैयार हुआ। फिर मटका पनीर को टेबल पर अच्छी तरह से सजाई। धीरे धीरे मटका पनीर खाने ढाबा पर लोग आने लगे। वो स्वाद लोगों को पसंद आया तो और आने लगे। मायावती पनीर से बहुत सारे वैरायटी बनाई। पड़ोसी शहर से भी मटका पनीर खाने के लिए लोग आते थे। आपका पनीर मटका बहुत अच्छा है, सुपर, एक पनीर से इतनी सारी वैरायटी। अजित ढाबा का दिवाला निकल गया। सुजित का एक्सीडेंट करवाने वाला अजित ही था, ये बात बाहर निकली। अजित को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। उस ढाबा का मटका पनीर का वीडियो पोते ने YouTube पर अपलोड किया। वो वायरल होकर बहुत ज्यादा डिमांड मिला। ऑनलाइन ऑर्डर्स और विदेश से भी ऑर्डर्स आने लगे। राकेश MBBS डॉक्टर बनने के बाद भी मायावती की मदद करने लगा। फ्राइड चिकन रोस्ट। निर्मल नाम के गांव में कन्ना नाम का एक आदमी रहता था। वो बिना कोई काम किए आवारा फिरता रहता था और गांव वालों के घरों में घुसकर मुर्गी चुराता था। बाद में अपने दोस्त मोहन के साथ मिलकर एंजॉय करता था। इस वजह से गांव वाले आए दिन कन्ना के पिता के पास आकर झगड़ा करते थे। इस कारण गुरु हरदम कन्ना को डांटते रहता था। एक दिन कन्ना मोहन गांव के बाहर एक मुर्गी को अच्छे से बुनकर खाने लगे। तभी उनके पास कन्ना के पिता गुरु आया। अपने पिता को देखकर कन्ना घबरा गया और वहां से भागने के लिए उठा। रे रुको रुको, भागो मत, मैं तुम्हें डांटने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हारे चोरी के मुर्गी का स्वाद चखने आया हूँ।
हाँ क्या पिताजी? वैसे घर में माँ अच्छे से पकाती है ना पिताजी, यहाँ तक क्यों आए? मैं ऊपर ऊपर से जो भी मिला उससे बना देता हूँ। मैं यूं ही तो नहीं आता ना, गांव में मेरे दोस्त तुम्हारे चिकन के बारे में बहुत प्रशंसा करने लगे थे। तुम आखिर क्या कर रहे हो ये देखने के लिए बहुत उतावला हो रहा था, इसीलिए आया। मैंने किसी को भी अपना चिकन नहीं खिलाया था ना पिताजी, फिर भी मेरे चिकन के बारे में सबको कैसे पता चला? रे भाई, कभी कभार मैं घर को चिकन ले जाता था ना, उस चिकन को मेरे चाचा के दोस्तों को स्पेशल चिकन के नाम पे बेच देता था। अरे कम्बक, मेरे चिकन से बिजनेस भी चला रहे हो क्या? कहकर अपने हाथों से बनाए चिकन को पिता को दिया। पिता ने चिकन को खाया। बाबा बाबा, कितना स्वादिष्ट है रे, मैं जिंदगी में कभी इतना स्वादिष्ट चिकन नहीं खाया, इतना अद्भुत है। वाह, अगर यही होटल में रखे तो लोग इसे खाने के लिए लाइन लगाएंगे। ये चोरी की हुई मुर्गी है ना पिताजी, इसका स्वाद ऐसे ही रहेगा। अगर यही मुर्गी हम खरीद कर बनाए होते तो इतना स्वादिष्ट नहीं होता था, पता है क्या? तो क्या हुआ रे, हम भी पड़ोस गांव में जाकर मुर्गी चुराएंगे, इन्हें दुगने दाम पे बेचेंगे, इसका स्वाद अच्छा रहा तो लोग ज्यादा पैसे देकर भी खरीदेंगे। आइडिया तो अच्छा है, मगर अपने पड़ोस गांव को मैं नहीं जाऊंगा। एक बार वहां पर मुर्गी चुराने गया तो उन्हें मुझ पर शक हुआ और मुझे बहुत मारे पिताजी। रे, चिकन पकाने का काम तुम देख लो, मुर्गी चुराने का काम, मार खाने का काम मैं और मोहन देख लेंगे। अगले दिन गुरु मोहन मुर्गियों को चुराकर कन्ना को दिए। कन्ना उन्हें एक अच्छे से चूल्हे पे जलाते हुए फ्राइड चिकन रोस्ट बनाने लगा। उस चिकन के महक को सूंघकर लोग वहां पर आए और हमें चाहिए, हमें चाहिए कहकर चिकन मांगने लगे। इस कारण उस दिन फ्राइड चिकन बहुत जल्द ही खत्म हो गया। पिताजी, कल अपने फ्राइड चिकन का नाम चोरी किया हुआ मुर्गी का फै कहकर रखेंगे क्या? रखो रे रखो, कल तक तुम्हें लोग मारते थे, अब सीधा अपने घर के अंदर घुसकर मुझे मारेंगे, तब अच्छा रहेगा तुम्हें। हाँ पिताजी, सच है, अगर लोगों को पता चला तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, मुझे तो आदत सी पड़ गई है, अगर वही आप होते तो एक घूसा मारते ही टपक जाते। कमीने, तुम नहीं बदलोगे रे, देखो कल से हम ज्यादा मुर्गियाँ लाएंगे, अगर जरूरत पड़े तो चार लोगों को मुर्गी चुराने के काम पे रखेंगे, हमारे डर से आसपास में कोई भी फ्राइड चिकन रखने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, हिला के रख देंगे। कन्ना पिता की बात मान गया। अगले दिन से उनका फ्राइड चिकन का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। एक दिन लोकेश नाम का व्यक्ति गुरु और मोहन को दुकान में मुर्गियां खरीदते देख उनके पास आया। ए चोर अंकल, तुम्हारे बेटे को चुराए हुए मुर्गी कहकर झूठ बोलकर उससे काम करवा रहे हो ना? ऐसे करने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? वेरी बैड बॉय, तुम्हारा ये सच तुम्हारे बेटे से ना बताने के लिए तुम्हें मुझे आए दिन 1000 रुपए देने होंगे। रे, यहाँ हम एक कमीने को कवर करने के लिए ही तंग हो रहे हैं, तो अब तुम भी आ गए हो क्या? देखो, वो मेरा बेटा है, मैं आए दिन लोगों से गाली नहीं खा पा रहा था, इसीलिए ये सब नाटक करना पड़ रहा है मुझे। मुझे तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, जाओ, जाकर क्या करोगे, किससे बोलोगे, तुम्हारी मर्जी। लोकेश बहुत गुस्से से वहां से चला गया। अगले दिन कन्ना अपने होटल में चिकन बना रहा था, वहां गुरु और मोहन भी थे, तभी वहां पर लोकेश आया। लोकेश आकर कन्ना से गुरु और मोहन चिकन के दुकान में चिकन खरीद कर उसे कैसे धोखा दे रहे हैं कहकर सब बताया। सॉरी पिताजी, मुझे माफ कीजिए, अगर आप सच में रे तुम चिकन बहुत अच्छा बना लेते हो रे कहकर बोलते तो मैं आज ऐसे फ्राइड चिकन रोस्ट नहीं लगाता था, मगर आप मुर्गियां चुरा कर लाऊंगा यूं कहे तो ही मैंने ये होटल रखा। इतने दिनों से मुझे झेलने के लिए बहुत धन्यवाद पिताजी, मैं और कभी मुर्गी नहीं चुराऊंगा। गुरु बहुत खुश हुआ। बेटा ब्लैकमेल राजा, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है।
लोकेश वहाँ से गुस्से से चला गया। उस दिन से कन्ना, गुरु और मोहन तीनों मिलकर फ्राइड चिकन रोस्ट अच्छे से बनाते हुए उस गांव में बहुत मशहूर हुए। जेंट पॉट बिरयानी वाला। सोनापुर नाम के गांव में चंदू भाई नाम का एक बिरयानी बनाने वाला बूढ़ा रहता था। उस इलाके में उसका बिरयानी बहुत मशहूर था। उसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। बिरयानी का धंधा खूब चल रहा था। उसे देखकर मुन्ना नाम का एक व्यक्ति, अरे इतने दिन नौकरी के चक्कर में फिजूल में घूम रहा था, नौकरी से अच्छा बिजनेस करना है, ये बिरयानी का धंधा शुरू करूं तो जिंदगी में सेटल हो जाऊंगा, कहकर मुन्ना बिरयानी सेंटर कहकर एक दुकान शुरू किया। पर वहाँ जिसने भी खाया, धत ये क्या बिरयानी है, इतना बेकार, याक। अपना चंदू भाई का बिरयानी इससे लाख गुना अच्छा है, चलो वहीं चलते हैं, कहकर चंदू भाई के पास जाते थे। खुलने के तीन ही दिन में बिरयानी का धंधा बंद करना पड़ा तो मुन्ना समझ नहीं पाया कि क्या करें और सीधा चंदू भाई के पास चला गया। चंदू भाई, आप तो बिरयानी बनाने में बहुत माहिर हैं। आपका जो बिरयानी का स्वाद है वो और कहीं भी नहीं है। मैंने भी आप ही की तरफ बिरयानी बनाने की कोशिश की और नाकाम रहा। कृपा करके आप अपना ट्रेड सीक्रेट और फ्लेवर का फॉर्मूला मुझे भी सिखाइए, मैं भी बिरयानी सेंटर शुरू करता हूँ। देखो मुन्ना, तुम खुद ही कह रहे हो कि ये ट्रेड सीक्रेट है, तो उसे कोई किसी और को क्यों बताने वाला, बताऊंगा तो मेरे धंधे का नुकसान हो जाएगा ना, इसीलिए वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, तुम जा सकते हो। मेरी सलाह ये है कि तुम कहीं किसी के असिस्टेंट लग जाओ और खाना पकाना सीख लो, वही तुम्हें कुछ दिनों में सिखा देगी और तुम कुछ सीख जाओगे, उसके बाद बिजनेस शुरू करो तो अच्छा होगा। तो सिर हिलाकर वहाँ से जाते जाते मुन्ना अपने आप से, चंदू भाई ने सच कहा, मुझे कहीं ना कहीं नौकरी में लग जाना चाहिए और खाना बनाने का नुस्खा सीखना ही होगा। चंदू भाई अपने पास तो मुझे नौकरी में रखेंगे नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। यूं अगले ही दिन बूढ़े के बेस में मुन्ना चंदू भाई के पास गया। भैया मेरा कोई नहीं है, मैं आपके पास काम करता हूँ, मेहरबानी करके काम दे दो, थोड़ा खाना दे दो बस। तब चंदू भाई ने उसकी हालत देखकर मान गया। उस दिन से मुन्ना चंदू भाई के लिए छोटे छोटे काम करते हुए उनका मन जीत लिया। चंदू भाई मुन्ना से बाहर के ही काम कराता था और रसोई के अंदर उसे जाने नहीं देता था। चंदू भाई दरवाजा बंद करके खुद ही बिरयानी बनाता था, किसी को भी अंदर नहीं आने देता था। ये देखकर मुन्ना, लगता है कि चंदू भाई को अब तक मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, बाहर से सामान लाने के तो भेजता है पर वो बिरयानी कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या सामग्री किस मात्रा में डालते हैं और कैसे डालते हैं वो नहीं जानने देता, मैं ये कैसे सीखूंगा, किचन में जाने भी नहीं देता। आज किसी भी तरह किचन में जाकर देखना ही होगा कि चंदू भाई बिरयानी कैसे बनाते हैं। यूं सोचकर मुन्ना किचन के पास सीढ़ी लगाकर खिड़की से झांककर कैसे बना रहा है देखने की कोशिश कर रहा था कि ऊपर से फिसलकर धड़ाम से गिरा। मुन्ना का हुलिया निकल आया और चंदू भाई की नजर में वो आ गया। अरे मुन्ना, तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, मैं अपना सीक्रेट फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं लगने दूंगा, अभी के अभी तुम्हें मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ, सबसे पहले तो तुम यूं छल करने की आदत सुधार लो। तो मुन्ना को गुस्सा आया और एक जेसीबी लाकर उसने उसकी बिरयानी की दुकान को गिरा दिया। क्यों चंदू भाई, अब ना तुम्हारी दुकान है और ना ही धंधा, तुम मुझे नहीं सिखाओगे, अब बनाओ बिरयानी, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे छिपा छिपा कर बिरयानी बनाते हो, वैसे अब तुम्हारे दुकान पर कौन आएगा, अब तुम जो भी पकाओगे खुले में ही पकाओगे ना, कहकर चला गया। अपनी टूटी हुई दुकान को देखकर चंदू भाई रात भर शोक मनाता रहा। अगले दिन बड़े बड़े हांडियां ले आया। उसे देखकर मुन्ना, ये हुई ना बात, अब आए हो रास्ते पर, बिरयानी बनाने की जगह नहीं मिली तो अब हांडियां बेच रहे हो, बूढ़े चंदू भाई चलो करो हांडियों का धंधा, इसे भी मैं चलने नहीं दूंगा, सब तोड़ दूंगा, मुझे बिरयानी बनाना सिखाओगे तो ठीक है, वरना तुम जो भी धंधा करोगे मैं उसे बिगाड़ दूंगा, यूं धमकी देकर चला गया। चंदू भाई उसकी परवाह ना करते हुए उन हांडियों को सड़क पर रखकर बड़े बड़े हांडियों में पॉट बिरयानी बनाकर बेचने लगा। उसे बनाते हुए चंदू भाई, इस बिरयानी की खुशबू से ही लोग दौड़े दौड़े आएंगे, दुकान नहीं रहा तो क्या हुआ, पेड़ के नीचे भी धंधा चलेगा, कहकर वहीं बेचने लगा। धंधा खूब चल रहा था। उसे देखकर मुन्ना, ये क्या,
पेड़ के नीचे जेंट पॉट बिरयानी का धंधा भी खूब चल रहा है इसका, इसे कैसे बिगाड़ूं? यूं सोचकर एक बंदर की टोली को बिरयानी की हांडी पर ले आया और छोड़ दिया। वे बंदर आकर ढक्कन खोलकर खलबली मचाने वाले थे कि चंदू भाई ने सूझबूझ से उन सबको एक एक केले दे दिया। उन्हें लेकर वे बंदर चुपचाप वहां से चले गए। धत, फिर से चंदू भाई को मैं कुछ नहीं कर पाया, कहकर मुन्ना हाथ मलता रहा तो चंदू भाई उसके पास आया। बेटा, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में तुम खुद नीचे गिरते जा रहे हो, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। ऐसा ना करके तुम अपने आप को सुधारने के लिए समय का प्रयोग करोगे तो अच्छा होगा। कर भला तो हो भला, अभी भी मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है। तुम जाओ और अच्छे मास्टर के पास काम में लग जाओ और सीखो। ये सुनकर मुन्ना समझ गया कि वो कितना गलत सोच रहा था। वो चंदू भाई के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। मैं समझ गया कि आप मेरे जैसे एक मूर्ख को सुधारने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। मुझे आपसे बढ़कर गुरु इस आसपास के इलाके में और कोई नजर नहीं आता। चाहे कितना भी वक्त लगे, मैं आपके पास ही रहूंगा। मैं बिरयानी बनाने की विधि आपसे ही सीखूंगा। मुझे ये पाक कला सिखाइए गुरुजी, मना मत कीजिए, कहकर विनती करने लगा। तब चंदू भाई ने उसे काम में लगा दिया। यूं चंदू भाई का मन जीतकर मुन्ना ने भी बिरयानी बनाने की विधि और खास नुस्खे सीखकर बढ़िया बिरयानी बनाने लगा। उसने भी अपना एक दुकान खोला और खुशी से बिरयानी बनाकर बेचने लगा। मिनी किचन टूल्स। दशरथ नगर नाम का एक गांव था। उस गांव में बड़े और छोटू नाम के दो भाई थे। छोटू मेहनत करके कोई धंधा करता रहता था। बड़े नकलची था, तो जो भी धंधा छोटू करता था उसे थोड़ा सा बदल कर उसी के सामने ये भी दुकान खोलकर बैठ जाता था। छोटू ने मिट्टी के बर्तनों का धंधा शुरू किया। ये देखकर बड़े ने अगले ही दिन स्टील के बर्तनों का दुकान खोला। सब लोग स्टील के बर्तनों के लिए उमड़ कर जाने लगे। अब बड़े खाली बैठे छोटू के पास आकर, क्यों रे छोटू, वैसे आजकल मिट्टी के बर्तन कौन खरीदता है यार, ये तुम्हारी मूर्खता है। अरे मेरे जैसे समझदार बनो। तब छोटू की पत्नी सरला, जेठ जी, मेरे पति आपके तरह नकलची तो है नहीं, इसलिए इतनी अकल नहीं है। इस बार आप कोई धंधा करके दिखाइए, आपको देखकर ये भी सीख लेंगे। ये तो इनका बड़प्पन है, ये तो अपने बड़े भाई को छोड़ देते हैं। अगर इनके जगह मैं होती तो छीर के रख देती। ये बात सुनकर बड़े, बस यही है, धंधा तो करना आता नहीं है पर दोनों जुबान बड़े चलाते रहते हो। तब छोटू के पास उसकी बेटी आई। पिताजी, मुझे खेलने के लिए कुछ बर्तन देंगे? ये बड़ों के खाने बनाने के लिए बर्तन हैं बेटा, तुम क्या करोगी? तो बच्चों के लिए खेलने के लिए छोटे बर्तन बनाओ ना, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो खरीद लेंगे। ये बात सुनकर सरला, क्यों जी, ये सुझाव तो बढ़िया है, बच्चों के लिए खाने के लिए बर्तन बना लेंगे, खर्चा कम और मुनाफा ज्यादा। ये बात सुनकर छोटू मान गया। फिर छोटू ने बच्चों के लिए खाने के बर्तन, चम्मच, स्टोव वगैरह बनाया और उसे दुकान पर सजाया। ये देखकर बच्चे, बड़े सब आकर, वाह बहुत बढ़िया है, कहकर सब कुछ खरीद कर ले गए। उन मिट्टी के बर्तनों के साथ बच्चे खेलने लगे। ये देखकर बड़े अपने मन में, वाह रे छोटू, जब देखो कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है और मैं तुम्हारी नकल करके तुम्हें मात देता रहता हूँ। अब मेरा मात का टाइम आ गया है ब्रदर, कहकर फोन उठाया और, भैया स्टील में बच्चों के खेलने के लिए कुछ बर्तन मुझे पूरे 100 सेट चाहिए, अर्जेंट है। अगले दिन छोटू, सरला और उनकी बेटी मिट्टी के बर्तन सजा रहे थे दुकान पर। उनके दुकान के बाहर कुछ बच्चे खड़े थे। बड़े अपने दुकान के पास खड़ा होकर, आओ बच्चों आओ, एकदम बढ़िया स्टील के खाने के बर्तन लाया हूँ, छोटे और प्यारे, यूं ही टूटने वाले मिट्टी के बर्तन नहीं है ये, आओ जल्दी आओ, 10% डिस्काउंट भी है। छोटू के दुकान पर जो बच्चे खड़े थे वे बड़े के दुकान पर जाकर उन स्टील के बर्तनों को खरीद कर चले गए। तब सरला छोटू से, कमीना फिर से नकल कर गया, बेशरम है। ये बात सुनकर बेटी बड़े के दुकान पर गई। बेटी बड़े से,
ताऊ जी ये गलत है, आप हमेशा हमारा धंधा का नुकसान करते हैं। पर देखते जाओ, कल मेरे पिताजी के धंधे के मार से आप गांव छोड़कर नहीं गए तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। तब बड़े अपने सामने रखे एक चम्मच बच्ची को दिखाते हुए, जाकर खेलो बेटे, चैलेंज करके थक गई होगी। अगले दिन बड़े सड़क पर जा रहा था तो एक जगह जेसीबी खेत पर मिट्टी खोद रहा था। उसके सामने एक बड़ा सा मिट्टी का ढेर था, वहाँ छोटू खड़ा था। छोटू को देखकर बड़े, ये यहाँ क्या कर रहा है, यूं सोचा। तब छोटू वहां से चला गया। बड़े वहां जाकर ड्राइवर से, क्यों ड्राइवर भैया इतना सारा मिट्टी किस लिए, आपके भाई ने बताया नहीं अगले महीने हनुमान जी के मंदिर का 100वां सालगिरह है, तब हमारे गांव में तकरीबन 1,00,000 लोग आएंगे, इसीलिए 2,000 बड़े बर्तन बनाने का प्लान कर रहा है आपका भाई, इस बार आपके भाई करोड़पति बन जाएंगे। अरे वाह छोटू, तो ये बात थी जो कल छुटकी इतने शोर करके जा रही थी, देखो अब मैं क्या करता हूँ, उसका नाम चूहिया ना रखा तो मेरा नाम बड़े नहीं है। यूं सोचकर फोन पर, भैया बड़ा सेटअप है, 2,000 नहीं 3,000 सेट बनाना, वेरी वेरी अर्जेंट, ऐसा कहा। बाद में बड़े अपने दुकान के बाहर खड़ा था, तभी उसके दुकान के पास एक बड़ा ट्रक और उसमें बड़े बड़े हांडियां आई। स्टील का व्यापारी बड़े के पास आया, वो बड़े से, पूरा 10,00,000 रुपए हुए, पैसे देंगे तो मैं चलता हूँ। भैया अगले महीने हनुमान मंदिर की शताब्दी मना रहे हैं, तब सब कुछ बेचकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। तभी वहाँ से जा रहे उस गांव के सरपंच ने ये बात सुनकर, क्यों बड़े मेरे जानकारी के बिना हनुमान मंदिर की शताब्दी उत्सव, अरे ये मंदिर को बने सिर्फ 60 साल हुए हैं। बड़े चौंक कर, पर वो जेसीबी ड्राइवर तो कह रहा था कि, अरे मिट्टी खोद रहे हैं तालाब बनाने के लिए, कोई जानबूझकर तुम्हें उल्लू बना गया, कहकर सरपंच वहां से चला गया। तब बच्ची बड़े के पास आई, क्यों ताऊ जी 15,00,000 भरने से गांव छोड़कर भागना ही ठीक होगा है ना। बड़े अपने मन में, क्यों री ये सब तुम्हारी हरकत थी, वाकई तूने मुझे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया, यूं सोचा। फिर बड़े वहां से फैक्ट्री ओनर से बचकर गांव छोड़कर भाग गया। भद्री नाम के गांव में ठीक से बारिश नहीं गिरने के कारण सारे खेत सूख गए, इस वजह से बेचारे किसानों को कोई काम नहीं था। एक बार उनके पास गांव का प्रेसिडेंट और बिजनेसमैन साहो आए गांव वालों से। प्रेसिडेंट, अरे अरे तुम्हारे दिन कितने खराब चल रहे हैं, तुम्हारे दुख को देख नहीं पाया इसलिए ये देखो साहो जी को साथ लेकर आया हूँ, इनके साथ आप एक अच्छा डील सेट किए तो 1 रुपया खर्च करे बिना अच्छे से पैसे कमा सकते हो, पता है। कहा तब शाम नाम का गांव वाला, प्रेसिडेंट जी पहले बात क्या है वो बताइए, वो अच्छी बात है या नहीं हम निर्णय करेंगे। कहा साहो तब, भाई तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बोलता हूँ ना प्रेसिडेंट जी को कुछ पता नहीं है, बात ये है कि हमारे गांव के मिट्टी का अच्छा डिमांड है, उससे हम शहर में सप्लाई किए तो पेड़ पौधे उगाने के लिए उसका उपयोग करेंगे, ट्रैक्टर भर मिट्टी को 500 रुपए दूंगा, क्या कहोगे। कहा शाम तब, ये बात बताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, वैसे भी किसान को मिट्टी बेचने के लिए कहोगे। प्रेसिडेंट जी पहले गांव में पानी लाने का इंतजाम कीजिए, तब सब अच्छे से जिएंगे। कहा तब प्रेसिडेंट, भाई आप लोगों को इस शाम के बारे में पता है ना, ये सुधरेगा नहीं और सामने वाले को भी सुधरने नहीं देगा, और थोड़े महीनों तक पानी आने के चांसेस कम है, तब तक तुम्हारे बच्चों को भूखे मारोगे क्या, सोचकर बताओ। कहकर वहां से चला गया। बाद में शाम बहुत समझाने की कोशिश किया, फिर भी गांव वाले शाम को मिट्टी बेचने के लिए मान गए। तब से शाम थोड़े लॉरी और ट्रैक्टरों में गांव के मिट्टी को खोदकर ले जाने लगा। ये देखकर शाम बहुत दुखी हुआ, वो अपने दोस्त बिरजू से, भाई हमारे लोगों के कमजोरी का ये लोग अच्छे से फायदा उठा रहे हैं, अब ये मिट्टी गई तो कल के दिन बारिश गिरने के बाद पानी आए जब हमारे खेत में मिट्टी नहीं रहेगी, फसल नहीं उगेगी, फसल हाथ नहीं आएगी, इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। कहा बिरजू तब, तुम्हारे अकेले के सोचने से कुछ नहीं होगा यार, लोगों को तुम पर भरोसा करना होगा, और दूसरी बात उन्हें इनकम दिखाना होगा, तब जाकर तुम्हारी बात सुनेंगे, उसके बारे में कुछ सोचो। कहा तब से शाम अच्छे से सोचकर पूरा शहर घूमने लगा। शहर घूमकर
थोड़े दिनों के बाद गांव को आकर अपने खेत में के मिट्टी को लेकर उनसे क्ले किचन टूल्स को तैयार किया। एक बार उनने खाना बनाकर गांव वालों को भोजन के लिए बुलाया। उन बर्तनों में बनाए व्यंजनों को गांव वाले बहुत चाव से खाए। खाना खाने के बाद बबीता नाम की एक महिला, श्याम तुम्हारा खाना बहुत अद्भुत है, करी पॉइंट लगाने का इरादा है क्या? तब हम लोगों के पति तुम्हारे व्यंजन ही खाएंगे और तुम्हारी होने वाली पत्नी भी बहुत किस्मत वाली है, बोली श्याम। तब ऐसा कुछ नहीं है दीदी, तुमने खाना खाया है ना, ये स्वाद कैसे आया तुमने गौर किया क्या? मिट्टी से बनाए बर्तनों में पकाने के वजह से वो स्वाद आया है। ये बर्तन हमारे पूर्वजों की दी हुई सेहत है, ये हमारी जायदाद है और ऊपर से आजकल दुनिया भर में ये मिट्टी के बर्तन बहुत ट्रेंड में है। हमारे गांव के मिट्टी से नंबर वन क्वालिटी के चीजें तैयार कर सकते हैं, इसलिए हमारे खेतों को आने वाले पानी को रोककर साहो ने हमारे खेतों को सुखाया है। वो उस प्रेसिडेंट से हाथ मिलाकर मिट्टी को खोदकर ले जा रहा है। तुम्हें ये बात पता है क्या, एक ट्रैक्टर भर के मिट्टी से हम 2 लाख रुपए के मिट्टी के बर्तन बनाकर बेच सकते हैं, मगर हमारे मिट्टी को वो सिर्फ 500 रुपए देकर ले जा रहा है। अब तो भी आप मेरी बात समझे तो अच्छा रहेगा, कहा। तब लोग सच है कहकर बात मान गए। उस दिन से कोई भी साहो को मिट्टी नहीं बेचेंगे कहकर निर्णय लिए। अगले दिन मिट्टी के लिए आए साहो वालों से लोग मिट्टी देने से इनकार किए। साहो अपने आदमियों से लोगों को डराने के लिए देखा तो गांव वाले मिलकर साहो और उसके आदमियों को, उनके साथ साथ बीच में आए प्रेसिडेंट को भी खूब मारे। बाद में शाम के दिए आइडिया से गांव वाले मिलकर क्ले किचन टूल्स तैयार करके दूसरे गांव को एक्सपोर्ट करने लगे। दूर दूर से व्यापारी उस गांव को आकर क्ले किचन टूल्स खरीद कर ले जाने लगे। गांव वाले सब धनवान बने